हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जी के आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी बिहार पीएससी एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन पेपर को जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी में हुआ था आप सभी हमारे इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें हम इस पेपर को पेपर के बारे में बात करेंगे यदि आप में से कोई भी आई सी आर जे आर एफ फॉरिस्ट्री या एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सिफ्रीकल्चर एग्ज़ाम की स्टडी कर स्टडी कर रहे हैं या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं इस कोर्स का प्राइस केवल थ्री थाउजेंड रुपीज़ है इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज़ दिए जाएंगे डाउनलोडेबल पीडीएफ होंगे और उनके वीडियोस होंगे टेस्ट सीरीज़ भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं तो चलिए हम आगे अपना क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन इज़ द पेरिस एग्रीमेंट ओके द पेरिस एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन ये कब फोर्स में आया था पेरिस एग्रीमेंट ये आया था नवंबर फोर टू थाउजेंड सिक्सटीन को नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोनर्स इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू वेस्टर्न घाट तो वेस्टर्न घाट में कौन से फोनर्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है तो वो है गौर नेक्स्ट है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इको सिस्टम इज नेशनल प्लान जो है कंजर्वेशन किसके कंजर्वेशन के लिए एक्वाटिक इकोसिस्टम के कंजर्वेशन के लिए जो नेशनल नेशनल प्लान है वो क्या है अ न्यू नेम फॉर नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान ओनली इसका जो न्यू नेम है वो क्या है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान ओनली नेक्स्ट है द साइज ऑफ द मिली वाटर शेड इज मिली वाटर शेड का जो साइज है वो कितना होता है तो वन से ट्वेंटी हेक्टेयर के बीच में होता है मिली वाटर शेड का साइज नेक्स्ट है वाटर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन इज अ काइंड ऑफ जो वाटर स्टेप मेथड होता है ना वो किस टाइप का किस काइंड का काइंड ऑफ इरिगेशन के मेथड है तो वो एक ही बात करो फरो इरिगेशन फरो इरिगेशन आप भी जानते हैं ठीक है तो इसका ही एक टाइप है क्या बॉर्डर स्टेप मेथड नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन रिजल्ट इज़ वेरी हाई वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी ऑफ अवॉर्ट जब हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं बूंद बूंद सिंचाई देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि बहुत ज़्यादा वाटर एप्लीकेशन की एफिशिएंसी होती है तो वो वाटर एप्लीकेशन की एफिशिएंसी कितनी होती है वो होती है नाइन्टी टू नाइन्टी की होती है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है तो वो है पावर्टी डज नॉट एक्सेंशेट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डिग्रेशन <coughs> नेक्स्ट है द नंबर ऑफ़ सेड्यूल्स इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू इज तो जो नंबर ऑफ शेड्यूल है ना किसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए नाइनटीन सेवेंटी टू के अकॉर्डिंग वो कितने नंबर ऑफ शेड्यूल्स हैं वो है नंबर सिक्स हैं दैक्स्ट है स्लोगन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग का जो स्लोगन है ग्लोबल वार्मिंग वॉज गिवन बाई यू एन ई पी इन तो ये किसके द्वारा यू के द्वारा दिया गया था जून नाइनटीन एटी सेवन में एन वी आई एस सेंटर जो है किसके लिए वाइल्ड लाइफ और प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए, लिए कहाँ पे लोकेटेड है वो लोकेटेड है नैनीताल में लोकेटेड है नेक्स्ट है लिटोरल एंड स्वाम फॉरेस्ट फाल अंडर प्रिंसिपल फॉरेस्ट टाइप्स में नेम तो इनमें से जो लिट, लिटोरल और स्वाम्स फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पे किसके प्रिंसिपल फॉरेस्ट के टाइप्स में नेमली हैं वो हैं माउंटेन्स आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंडर पे ये आते हैं नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड ओनली इन जब बात करें कि हम सब ट्रॉपिकल ड्राई जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पे फाउंड होते हैं तो ये आपको देखने मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री तो जो कंट्री के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ पे आपको सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं नेक्स्ट है डब्ल्यू पी एम मीडियम इज यूज टू कल्चर ऑफ तो इनमें से जो WPM पी एम मीडियम है वो किसके कल्चर के लिए यूज है तो वो है बुडी प्लांट्स के लिए नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो सिस्टम वॉज गिवन बाय पी इन द नाइनटीन 1976। सिक्स नेक्स्ट है विंड ब्रेक शुड बी प्लांट विच डायरेक्शन ऑफ द गिवन क्रॉप इफ दिंड इज ब्लोन नॉर्थ टू साउथ तो इनमें से जो विंड ब्रेक है है ना वो कैसे प्लांट होते शुड बी प्लांट मतलब कि हमको कहाँ पे प्लांट करने चाहिए जहाँ पे जो डायरेक्शन है क्रॉप की जो डायरेक्शन है यदि वो विंड ब्लोन की डायरेक्शन कहाँ पे है गिवन क्रॉप इफ द विंड इज ब्लोन यदि हवा कहाँ पे बह रही है नॉर्थ से साउथ के बीच में तो विंड ब्रेक को हमें कहाँ पे लगाना चाहिए साउथ टू ईस्ट के ईस्ट में हमको विंड ब्रेक को प्लांट करना चाहिए नेक्स्ट है कॉर्बेट नेशनल पार्क बीन टाइगर रिजर्व इन द ईयर जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ठीक है वो कब टाइगर रिजर्व में किस ईयर में हुआ था वन थाउजें वन सेवेंटी एट में ठीक है नाइनटीन सेवेंटी एट में ये हुआ था नेक्स्ट है अमंग्स तो ट्वेल्व रीजन डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स रैंक एट विच पोजीशन यदि हम बात करें कि बारह रीजन डाइवर्सिटी में क्रॉप प्लांट्स की तो इनमें से जो रैंक है वो किस पोजीशन में है तो वो है सेवन्थ पोजीशन में इसकी रैंक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द लिस्ट ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज इनमें से कौन सी जो है वो किस में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में है तो वो है लार्ज टूथ सॉफिस नेक्स्ट द फर्स्ट पर्सन हु मेड पेपर बिलोंग टू द कंट्री इनमें से आपको बताना है कि कौन जो फर्स्ट पर्सन है जिसने कि पेपर को बनाया था किस कंट्री से बिलोंग करता है वो है चाइना कंट्री से वो पर्सन बिलोंग करता है नेक्स्ट इज द मोस्ट इफेक्टिव क्रॉप सिस्टम फॉर रिटर्निंग मेन एलिमेंट्स टू सॉइल इज तो जो बात करें कि हम लोग क्या करना है कि बहुत इफेक्टिव क्रॉपिंग सिस्टम जो कि रिटर्निंग करता है मेन एलिमेंट्स को सॉयल में तो वो है मोनो क्रॉपिंग मोनो क्रॉपिंग मतलब कि एक ही फसल को एक ही खेत में बार बार पोना नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज आप बायो फर्टिलाइजर में क्या कंसिडर करते हैं तो ये आ जाएगा ग्रीन मैन्यूस हो जाएगा सॉरी बीजीए ए होगा ठीक है ब्लू ग्रीन एलगी को एज आ यहाँ पे गलत है तो आप इसको सही कर लीगा कर लीजिएगा बी जी ए जो है ब्लू ग्रीन एलगी को हम लोग एज आ बायो फर्टिलाइजर क्या करते हैं कंसिडर करते हैं नेक्स्ट है राइजोबियम कल्चर कल्चर इज यूज इंक्रीज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन तो वो आ जाएगा ऑयल से चॉप्स इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा दो में से ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ द मॉइस्चर इन में सी कम्पोनेंट का मॉइस्चर का कौन सा है तो वो है मैट्रिक पोटेंशियल नेक्स्ट है द एन्वाट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज सिक्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 में इनैक्टेड हुआ था वो किस आर्टिकल के अंडर पे हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के तो वो हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के आर्टिकल नंबर टू पे नेक्स्ट है अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स परसेंटेज ऑफ द सनलाइट रीचिंग द एटमोसफेयर इज यूज इन फोटोसिंथेसिस इसका मतलब हुआ कि कितने परसेंट की जो सनलाइट है वो एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके वो पहुंचती है तो वो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट की जो सनलाइट होती है वो एटमॉस्फेयर में मतलब फोटोसिंथेसिस के यूज़ करके वहाँ पे पहुंचती है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो इनमें से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पिलर है वो क्या नहीं है तो इन द फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पिलर है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो जाएगा वो नॉर्मली बात है कि हम लोग एन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं सोशल डेवलपमेंट करते हैं और कल्चरल डेवलपमेंट तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका कोई भी पिलर नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नेक्स्ट इज द इंट्रेक्शन विच डोमिनेट्स इन प्योनीर कम्युनिटीज इज तो जब भी कोई चीज का इंट्रैक्शन होता है किसी भी डोमिनेट से तो वो आ जाएगा सिम्बायोसिस के अंडर पर आएगा द टर्म नाइक इज एज गिवन फॉर द फर्स्ट टर्म बाई जे ग्रीनेल ने इसको सबसे फर्स्ट टर्म दिया था नेक्स्ट है प्रीशियर इज अ टर्म डिनोट एज तो इसको कैसे डिनोट किया सेकेंडरी सक्सेशन के फॉर्म में इसको डिनोट किया गया है हाउ मच परसेंटेज पोटेंशियल एनर्जी इज़ लॉस एट रीच ट्रांसफ़र ऑफ फूड चेन यदि हम बात करें कि हर फूड चेन में यदि एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो वो कितने परसेंट की जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट होती है वो है टेन टू ट्वेंटी परसेंट की जो एनर्जी है वो लॉस्ट होती है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ग्रेजिंग फूड चेन एनर्जी रिच च तो ये है क्या है स्टेटमेंट गलत है नेम ऑफ़ द ऑर्गेनिज्म इन सिम एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा है ऑर्गेनिज्म का नेम वो है ऑसिलेटोरिया। नेक्स्ट है विच इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड हैज़ मैक्सिमम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया इनमें से कौन सा जो इकोसिस्टम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैगजिमम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है पर यूनिट एरिया में वो है ओपन ओशियन नेक्स्ट है मैच लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है तो नेडिटिक ने जोन उनका क्या आ जाएगा आपका रीजन ऑफ ओपन सी बियॉन्ड कॉन्टीनेंटल सेल्फ नेक्स्ट हो जाएगा आपका बी का मतलब क्या हो गया इंटाराइडल जोन इसका हो जाएगा जोन बिटवीन हाई एंड लो टाइट्स नेक्स्ट है ओशियनिक जोन ओशियनिक जोन का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू अपर थिन पार्ट ऑफ द ओशियनिक रीजन नेक्स्ट है यूफोटिक जोन यूफोटिक जोन का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री सेलो वाटर जोन ऑन द कंटिनेंटल सेल्फ नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फ्रेश वाटर इको तो इनमें से मेजर लिमिटिंग फैक्टर है वो है टर्बिटी क्या है टर्बिटी नेम द प्लांट विच इज़ नॉट टेस्टेड फॉर आइजो फिल्ट्रेशन के लिए जो टेस्टेड नहीं है वो है सनफ्लावर प्लांट ठीक है नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट ड्राइस्ट नॉन पोलर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इनमें से कौन सा लॉन्गेस्ट ड्राइस्ट और नॉन पोलर डेजर्ट है वर्ल्ड में वो है थार क्या है थार नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ मोस्ट डेजर्टिफाइड लैंडेल इनमें से कौन सा स्टेट जो है मोस्ट डेजर्टिफाइड लैंड टेल है वो है आंध्र प्रदेश क्या है आंध्र प्रदेश नेक्स्ट इकोलॉजिकल आइस इज़ अ टर्म यूज टू डिनोट इकोलॉजिकल आइसलैंड जो है वो किस एक टर्म है जो कि किसको डिनोट करता है एन एरिया ऑलवेज सराउंडेड बाय वाटर एक एरिया जो कि किससे सराउंडेड होता है हमेशा वाटर से विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीज इज बी बेस्ट चोट विथ रिलेटिवली हाइस्ट एयर पॉल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स तो ए पी टी आई स्पीसीज कौन सी है तो वो है एल्बीजो लेबिक नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल मैथड ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जो बायोलॉजिकल मेथड है वो कौन सी है डम्पिंग कौन सी है डम्पिंग नेक्स्ट द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट तो जो नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो रुड़की में है सी एफ सी एस ऑन रिलीजिंग इन टू द एटमोसफेयर एकोमोलेटेड इन जो क्लोरोफ्लोरोबन है रिलीजिंग है ठीक है जिसमें एटमोसफेयर एकोमोलेटेड में वो है मेजोसफेयर नेक्स्ट है अल्टरनेटिव फॉर सी एफ सी ट्वेल्व क्लोरोफ्लोरोबन के लिए जो अल्टरनेटिव है वो इन ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर में है वो आ जाएगा आपका एच एफ सी वन हंड्रेड थर्टी फोर ई ऑफ़ द टोटल मास ऑफ द एटमोसफेयर अबाउट नाइन्टी नाइन परसेंट इज़ विद इन अ हाइट ऑफ थर्टी किलोमीटर फ्रॉम द आर्थ सरफेस आंसर होगा इसका नाइन्टी नाइन मतलब कि किसी भी टोटल मास का एटमोसफेयर के कितने परसेंट जो है हाइट जो होती है थर्टी किलोमीटर है आर्थ सर्फेस से तो वह है नाइन्टी नाइन परसेंट नेक्स्ट है इन एसिड रेन ऑन एन एवरेज फिर इन द ब्लैंक्स परसेंट एसिडिटी इज एस्क्राइब्ड टू सल्फ्योरिक एसिड तो थर्टी टू फोर्टी परसेंट एसिडिटी जो है वो एस्क्राइबड है किसमें एस्क्राइबड है सल्फ्योरिक एसिड से नेक्स्ट है फ्रॉम साइटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट एंजियोस्प ट्रीज़ आर एनियोप्लॉयट्स मतलब इनमें से साइटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बात करें उससे तो मोस्ट इनजियपर्मस जो ट्रीज़ हैं वो कैसे हैं वो है एनियोप्लॉयट्स हैं तो यहाँ पे तो हमारा प्री का जो क्वेश्चन से हमने उसको बात किया आगे चल के हम मेंस के पेपर को हम उसके क्वेश्चन को देखेंगे तो हम आपको सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे आप उनके आंसर्स तो मेन्स का पेपर हम बात करेंगे आगे तो मेन्स का पेपर जो पेपर फर्स्ट है वो यहाँ पे है सेवेंटी फाइव मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था और डेढ़ घंटे का आपको टाइम दिया गया था सो so, हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एसेंशियल फीचर्स ऑफ सेंट्रलाइज नर्सरी तो पहले तो हमें बताना है यहाँ पे बोला गया है कि सेंट्रलाइज नर्सरी के लिए एसेंशियल जो फ़ीचर्स हैं उसके बारे में हमको बताना है डिस्क्राइब करना है तो सबसे पहले तो हमें सेंट्रलाइज नर्सरी पता होनी चाहिए कि आखिर पे सेंट्रलाइज नर्सरी होती क्या है तो सेंट्रलाइज नर्सरी दैट मीन्स आप जान रहे हो कि नर्सरी को हम कहीं भी बना सकते हैं ठीक है क्या हम नर्सरी किसी भी एरिया में बना सकते हैं या हम रोड साइड बना सकते हैं कहीं भी आप नर्सरी को एक छोटे से एरिया में तैयार कर सकते हो लेकिन सेंट्रलाइज नर्सरी को हम एक ऐसे जगह पे प्रिपेयर करते हैं जो कि साइट के बीच में हो जहाँ पे लेबर का आना जाना आराम से हो सके और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सीडलिंग्स को आराम से भेजा जा सके और रोड के एक्सेस हो वो तो हम वहाँ पे सेंट्रलाइज नर्सरी तैयार करते हैं अब उसके लिए फ़ीचर्स कौन कौन से होना चाहिए सपोज़ आप कभी नर्सरी तैयार कर रहे हो तो उसके लिए आप साइट सिलेक्शन करते हो साइट सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे उसका हम एरिया डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे स्लोपी है कि स्लोपी नहीं है सोप फॉर वाटर ड्रेनेज के लिए शोप स्लोपी होनी चाहिए है ना तो वहाँ पे बेसिन नहीं होना चाहिए सबसे पहले तो बेसिन मतलब कि वहाँ पे वाटर ड्रेन जो वाटर की प्रॉब्लम है वाटर क्या नहीं होना चाहिए वहाँ पर वाटर इकट्ठा ना होना चाहिए मतलब वाटर लॉगिंग कंडीशन को अवॉइड करना है ठीक है तो ये तो वेस्टिंग आर अवॉइडेड मतलब कि वहाँ पे ऐसी जगह में हमको सेंट्रलाइज नर्सरी को तैयार करना है जहाँ पे पानी का मतलब कि पानी के जो भरा हो वो ना हो ठीक है मतलब कि आप इसमें कह सकते हो प्रॉपर ड्रेनेज हो और आप ऐसे ऐसे फीचर्स को इसमें ऐड कर सकते हो आप जब पढ़ोगे आपने पूरा फॉरस्टी का पढ़ा होगा तो उसमें आप देखोगे तो आपको इसमें डिस्क्राइब करना है कि एसेंशियल फ़ीचर्स के सेंट्रलाइज नर्सरी के कौन कौन से हो सकते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सिल्वी कल्चर ऑफ डलवर्जिया सिस्सो और सोरिया रोबस्टा तो सीसम या साल के आपको वनवर्धन पर विस्तार विस्तार पूर्वक बताना मतलब कि पूरा उसका कल्टीवेशन ही लिखना है आप ऐसे कर सकते हो तो डिटेल्ड नोट करना है तो अब डलवर्जिया सिसो का हम आपको मेडिसिनल यूज़ बता देते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है बाकी तो आप जानते होंगे कि इसका नोट्स आप कैसे लिखोगे पूरा ठीक है तो मेडिसिनल यूज़ में क्या होता है जो इसका पाउडर्ड वुड होता है लीव्स हो गए सीड ऑयल हो गया इसका यूज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता था कहाँ पे हमारे इंडिया में स्पेशली इसका जो डलबर्जिया सिसो जो सीशम है इसका यूज़ हमारे यहाँ स्किन डिजीज़ के लिए किया जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एग्रो फॉरेस्ट्री एंड डिस्कस द स्कोप ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इन इंडियन कंस्टेक्ट तो आपको हम पहली बात बता दें तो एग्रो फॉरेस्ट्री दैट मीन्स कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स एग्रो प्लस फॉरेस्ट्री तो एग्रो प्लस फॉरेस्ट्री दैट मीन्स क्या करते हैं जब भी हम कोई को भी कल्टिवेटिव uh, क्रॉप हो गया इनका कंबाइनिंग करते हैं जैसे कि फूड क्रॉप्स हो गया जैसे कि एनुअल विथ ट्री क्रॉप्स अब हमारी जो ट्री क्रॉप्स रहती हैं वो आपको पता है वो पेरिनियल होती हैं पेरिनियल इन द सेंस ऑफ वो की बहुत ज़्यादा क्या करती हैं uh, उनको ग्रो करने में दो से ज़्यादा टाइम लगता है ठीक है दो से ज़्यादा साल लग जाते हैं मतलब बहुत ज़्यादा पेरीनेल बहुबरसी होती हैं तो हम इनका कॉम्बिनेशन किसके साथ कर सकते हैं एनुअली क्रॉप एनुअली क्रॉप कौन सी फूड क्रॉप्स हो गए उनके साथ हम इनको कॉम्बिनेशन करके लगा देते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक और बात कर दिया है डिस्कस द स्कोप ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री अब आपको इसके स्कोप भी बताना है कि इसके स्कोप ये क्षेत्र क्या है तो आपको ये बताना है तो स्कोप की बात करेंगे तो यहाँ है एग्रोफॉरेस्ट्री से आपको क्या मिलता है आपको रॉ मटेरियल्स मिलते हैं किसके लिए अब जब रॉ मटेरियल्स तैयार होते हैं तो आप उसको इंडस्ट्री में भेज सकते हो तो किसके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटेज इंडस्ट्री आपका और क्या हो सकता है हेल्प्स इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस अब जब भी आप इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हो तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखता है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए भी एग्रोफॉरेस्ट्री का स्कोप बहुत ज़्यादा है सॉयल और वाटर कंजर्वेशन करते हैं आप बात कर सकते हो सॉइल इम्प्रूवमेंट करेगा जो हमारा जो सॉइल इरोज़न होता है वाटर इरोजन होता वो उसकी सॉइल इनकी रूट्स इतनी गहरी इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो क्या करते हैं सॉइल को बांध के होल्ड करके रखते हैं ताकि उसका इरोज़न ना हो पाए तो ये क्या करता है प्रिवेंट सॉइल एंड वाटर इरोजन एंड सॉइल और वाटर कंजर्वेशन भी कर सकते हो और सॉइल इम्प्रूवमेंट ठीक है अब हमारे यहाँ बहुत सारे लार्ज एरियाज़ अवेलेबल हैं ठीक है फार्म बाउंड्रीज में बर्नस में बेस्लेंट्स जहाँ की क्या कर सकते हैं इस, इस सिस्टम को हम एग्रोफोरेस्ट्री को क्या कर सकते हैं हम अडॉप्ट कर सकते हैं फूड क्रॉप्स के साथ साथ या हम ट्री क्रॉप्स के साथ साथ हम फूड क्रॉप्स को भी लगा सकते हैं ताकि हमको फ़ायदा होगा है ना प्रॉफिट होगा तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड तो हमने आपको बताया अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर की डिफाइन ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब कि जे एफ एम जे एफ एम आप समझ रहे हो ज्वाइंट ज्वाइंट मतलब कि किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन होना या किसी भी चीज़ को ज्वाइंट कर लेना ठीक है तो अब फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो नॉर्मली बात है फॉरेस्ट से रिलेटेड ही होगा तो जॉइंट फॉरेस्ट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है एक प्रकार की पार्टनरशिप होती है जिसमें इन्वॉल्विंग द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटीज को हम लोग क्या करते हैं इन्वॉल्व करते हैं अब किस में इन्वॉल्व करते हैं नेचुरल फॉरेस्ट मैनेजमेंट में हम इन इन दो को किसको पार्टनरशिप की जाती है इन्वॉल्विंग बोथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हमारा और साथ साथ जो कम्युनिटीज हैं है ना जो भी समुदाय हैं उनके साथ क्या करते हैं ये पार्टनरशिप करते हैं और किसके लिए करते हैं ये नेशनल फॉरेस्ट मैनेजमेंट में करते हैं अब ये जो कंसेप्ट आया था आप इसमें भी बात कर लें कभी कभी इससे एम सी क्यू क्वेश्चन उठ जाते हैं तो जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो कन्सेप्ट आया था इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में लेके आया था अब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी ये आप सभी को पता है 1988 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी जिसके अंडर पे इस कंसेप्ट को दिया था जे एफ एम ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को अब ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपने पढ़ लिया है कि होता क्या है अब एक और क्वेश्चन दिया है राइट इन ब्रीफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जे एफ एम अब आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स को बताने हैं तो ऑब्जेक्टिव्स को आप बताओगे तो इसमें क्या होते हैं हम लोग किसी भी सारे स्टेक होल्डर्स हो गए और जो प्रिजर्व हम क्या करते हैं इनको इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पे अब हम इन किस में इन्वॉल्व करते हैं हम फॉरेस्ट्री है, में हम फॉरेस्ट में इन्वॉल्व करते हैं किसके लिए करते हैं हम प्रिजर्वेशन करने के लिए और कंजर्वेशन करने के लिए फॉरेस्ट का ठीक है और आ, जो डिग्रेडेशन होता है फॉरेस्ट का तो उनको रि करने के लिए हम क्या करते हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं स्टेक होल्डर्स को ताकि उसका हम क्या कर सकें कंजर्वेशन कर सकें ठीक है ओके टू एंश्योर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हम क्या करते हैं इन स्टेट गवर्नमेंट और क्या करते हैं इसका काम जो ऑब्जेक्टिव है मेन वो ये है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी उसके और जो कम्युनिटीज़ हैं जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में क्या करती है ये आप क्या करती है जो फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं उनको इंश्योर कराती इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन देती है तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है ठीक है इसका बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा ठीक है तो ये क्या था आपके ऑब्जेक्टिव से आप डिस्कस द रोल ऑफ एन इन जे तो अब इसको नॉर्मली बता सकते हो कि आप इसको पढ़ोगे तो आपको भी पता होगा कि एन का अब आप रोल क्या हो सकता है जे में अभी हमने आपको डेफिनेशन से क्लियर करा दिया तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि एन का रोल जे मतलब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या होगा ठीक है नेक्स्ट है डिफाइन सॉइल ओके okay? तो सॉइल को डिफाइन करना एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल अब आपको सॉइल को डिफाइन करोगे तो सॉइल जो होती है एक फाइन अर्थ कवरिंग लैंड सरफेस है अब सॉइल क्या है जब लैंड को कवर करती है ठीक है अब क्या हो जाएगा ये और इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ सर्विंग ठीक है ये क्या करता है जहाँ पे सबस्टेशन और सबस्टेटम ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन लाइफ तो ये क्या करता है एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर ये साथ साथ जो सॉइल है वो रिजर्वायर और किसके तरह काम करता है एक रिजर्वायर के न्यूट्रिएंट्स और वाटर के रिजर्वायर की तरह ये काम करता है अब बात करें तो हम ओके okay. जो हमारा क्या है अब आपको ये बता दें जो फादर ऑफ साइल साइंस हैं तो साइल साइंस जो फादर ऑफ साइल साइंस वो कौन है डॉकूचेव है और साइल साइंस को आपने दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है एक है पेडोलॉजी और एक है एडेफोलॉजी तो यहाँ पे इतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं है जो पूछा गया आप वहीं पर बताएंगे ब्रीफली डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल अब आपको क्या करना है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेल को भी डिस्क्राइब करना है यहाँ पर आप बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आ सकती हैं तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में सॉइल फोना और सॉइल फ्लोरा आते हैं आप सॉइल फोना में क्या आते हैं एनिमल्स आते हैं और फ्लोरा में जो भी hiç, uh, क्या प्लांट्स होते हैं उनको रखा गया है तो आप इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए ये सारे किस्में आते हैं आपके बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर पे आते हैं ओके नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ सेलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट इन ब्रीफ आपको डिस्क्राइब करना है किसको सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल्स को किसको सलाइन और एल्कलाइन सॉइल को आपको डिस्क्राइब करना है और उनको बताना है कि उसके मैनेजमेंट को हम कैसे उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करें कि सेलाइन सॉइल होती क्या है ओके सेलैंस सोइल जो है आप बात करोगे तो एक्सेस सॉलिएबल सॉल्ट ऑफ सोडियम इनमें क्या होते हैं बहुत ज़्यादा सोलिएबल सॉल्ट्स सोडियम के प्रेजेंट होते हैं एक्सचेंजेबल कैल्शियम होता है अब वाइट सल्फेट होता है ठीक है तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्ट्रिस्टिक्स होते हैं कि सेलाइंस ऑयल के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी प्रॉब्लम्स ठीक है थोड़ा हम आपको आपको ये बता दे रहे कि ये कैसे होते हैं ठीक है थीके? ये एल्कलाइंस आइयल और सेलाइंस ऑयल के कुछ प्रॉपर्टीज़ को बता दे रही हूँ बाकी आप मैनेजमेंट और उनकी प्रॉब्लम्स को देख लीजिएगा तो हम बात करें यहाँ पर इनकी तीन चार प्रॉपर्टीज़ मेन है एक होती है सॉइल का पीएच हमको कैसे पता चलेगा कि ये सैलाइन सॉइल है और ये एल्कलाइन सॉइल है जब भी इस सॉइल का पीएच जो होता है वो एट पॉइंट फाइव से कम हो तो उसको हम सेलाइंस ऑयल में ले लेते हैं और बात करें कि एल्कलाइंस ऑयल का तो इसमें जब पी जो होता है एट पॉइंट यहाँ जो एल्कलाइंस ऑयल का पीएच होता है वो 8.5 से 10 के बीच में होता है तो वो क्या हो गया आपका एल्कलाइंस ऑयल हो गया जिसमें 8.5 से कम का पीएच होगा तो वो क्या हो गया आपका सेलाइंस ऑयल हो गया अब हम बात करेंगे ईएसपी की तो ईएसपी पे में जो होता है जो सेलाइंस ऑयल का ईएसपी होता है ठीक है वो कितना होता है इस लेस देन फिफ्टीन मतलब कि पंद्रह से कम होता है लेकिन यदि हम बात करें कि पंद्रह से ज़्यादा किसका हो जाएगा एल्कलाइन सॉइल का होगा तो कुछ हम बात करेंगे कि जैसे कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं प्रॉब्लम्स ऑफ सलाइन सॉइल की अब प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इंजीरियस अब जब भी कैसी प्रॉब्लम्स होगी जैसे कि इसकी जैसा पीएच पड़ता है ठीक है सेलिडिटी जो होगी वो क्या करेगा इसमें क्या होगा यदि इसमें इसका जो ई होता है ना ई बहुत ज़्यादा होता, मतलब होता है मतलब फोर से ग्रेटर देन फोर होता है ठीक है तो अब जब इसका ई ज़्यादा हो जाएगा तो इसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है जो सीट का ठीक है वो कम हो जाएगा ठीक है अब ये क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ थिकर लेयर ऑफ सरफेस बैग्स इन पार्ट्स ब्लू इज ग्रीन टिंक ऑन लीव्स अब जब इसका क्या हो जाता Thick layer, है थिक लेयर इसकी सरफेस बैग्स की बन जाती है डेवलपमेंट हो जाता है तो इसकी जो लीव्स होती है, जब हैं जब हम कोई क्रॉप्स लगाते हैं तो उसकी टिंग ग्रीन ग्रीन कलर का उसमें क्या होता है टिंक uh, कलर का ब्लू ग्रीन कलर का आपको देखने को उसमें दिख मिलता है ठीक है तो ये सारे क्या है इसके आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और आप इसको क्या कर सकते हो इसका क्या है ये प्रॉब्लम्स है अब इसको ओके okay, तो आप इसका मैनेजमेंट देख लीजिएगा आपको आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट है डिफाइन एनवायरनमेंट एंड ब्रीफली डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट को आप समझते हो जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म चारों ओर रहने वाले बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे वो एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं हमारा चारों ओर का पर्यावरण वातावरण ठीक है तो वो क्या कहलाता पर्यावरण कहलाता है या एन्वायरमेंट कहलाता अब कंपोनेंट्स की बात करें तो ये दो टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं एनवायरमेंट के एक तो होते हैं बायोटिक और एक होते हैं ए बायोटिक ठीक है अब आप समझ रहे हो कि बायोटिक एनवायरनमेंट में क्या आते हैं बायोटिक मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कम इन किस में आते हैं ये बिलोंग्स टू द बायोटिक एनवायरनमेंट और जो भी नॉन लिविंग होते हैं तो वो किस में आ जाते हैं ई बायोटिक में आते हैं अब अब क्या आते हैं लिविंग में कौन कौन से आ जाते हैं जैसे कि वर्ड्स हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए इंसेक्ट्स हो गए रेप्टाइल्स हो गए ये सारे बायोटिक्स में आते हैं लेकिन ए बायोटिक की बात करें तो ए बायोटिक में क्या आते हैं जो हमारे क्लाउड्स हो गया टेम्परेचर हो गया लैंड हो गई एयर हो गई ह्यूमिडिटी वाटर वाटर वेपर ये सारे किस में आते हैं हमारे ए बायोटिक ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर पे आते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफेंट ग्लोबल वार्मिंग एंड डिस्कस द कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अब आपको पहले बताने हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं आप इसके बारे में आप डिटेल कर लीजिएगा क्या होता है जब भी किसी इंक्रीज होना और मतलब जब भी किसी टेम्परेचर हमारे अर्थ का ग्रेजुअली ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज होना जनरली ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किसके कारण से होता है आपको पता है कि जब लेवल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल फ्लोरोफ्लोरोबन का लेवल और अदर पोरिएटेड का लेवल बढ़ जाता है उससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग होता है तो इसका डिस्कस कर लीजिएगा डिफाइन ट्री इम्प्रूवमेंट एंड डिस्कस डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ट्री इम्प्रूवमेंट आपको ट्री uh, इम्प्रूवमेंट के बारे में डिफाइन करना है और साथ साथ उसके लिमिटेशंस और एडवांटेजेस को भी इसमें डिस्क्राइब करना है ओके okay, ये तो था पेपर वन अब हम पेपर टू की बात करेंगे ठीक है ये भी डेढ़ घंटे का था सेवेंटी फाइव मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था इसके बारे में हम हाँ बात करेंगे ये दो सेक्शन में डिवाइड है सेक्शन नंबर वन और सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर टू अब आपको फिर से यहाँ पे बोलना है कि क्या करना है आपको आपको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्वेश्चन फिर से यहाँ पे बोला गया है तो इसको हमने अभी ही डिस्कस किया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेकिन इसमें सिग्निफिकेंस हो गया इसके महत्व तो क्या है इसका महत्व तो क्या हो जाएगा कि ये क्या करता है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का वर्क करा रहा है साथ ही साथ ये कॉर्डिनेट करता है किसके लिए गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज के बीच में ठीक है तो ये सिग्निफिकेंस आप इसको कर लीजिएगा डिटेल्स इसका वॉट इज अ वर्किंग प्लान तो आपको वर्किंग प्लान क्या है आप इसके बारे में भी देख, देख लीजिएगा नेक्स्ट है ओके व्हाट डू यू नो अबाउट रिमोट सेंसिंग अब रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है तो रिमोट सेंसिंग आपको पता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिमोट सेंसिंग है क्या अब रिमोट सेंसिंग क्या करती है कि अर्थ की स्कैनिंग करती है अब अर्थ की स्कैनिंग अब आप सोचोगे कि अर्थ की स्कैनिंग कैसे होती है ठीक है तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है ये अर्थ की स्कैनिंग करेगा इस अर्थ की स्कैनिंग किससे करेगा बाय सैटेलाइट और हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से अब देखो जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ड्रोन्स का यूज़ हो रहा है तो ये क्या है एक रिमोट सेंसिंग ही है ना हमारे यहाँ अभी जो एग्रीकल्चर जो बजट आया है उसके अकॉर्डिंग भी क्या कहा गया है कि रिमोट सेंसिंग का मतलब इम्प्रूवमेंट ऑफ इंक्रीज ऑफ ड्रोन ड्रोन का बढ़ा इंक्रीमेंट ऑफ ड्रोन्स ड्रोन्स को बढ़ावा दिया जा रहा है क्यों क्योंकि रिमोट सेंसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है ना तो ये सारे एयर फ्लाई एयरक्राफ्ट हो गए ये इसके द्वारा स्कैनिंग करना ताकि हमको उसकी क्या मिल सके इन्फॉर्मेशन मिल सके ये रिमोट सेंसिंग है अब आपको बात करना इंपॉर्टेंस इसका फॉरेस्ट्री में कैसा है तो ये कैसे फॉरेस्ट्री में इंक्रीमेंट हो इसका हो सकता है इम्पोर्टेंस तो सबसे पहले क्या होगा एयरबॉन्ड लेज़र स्कैनिंग कर सकते हैं जो भी डिजीज हैं कुछ भी है एयरबॉन्ड वो उससे आप स्कैनिंग करके आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी डिजिटल एरियल फोटोग्रामेटिक है जिसे हम डी बोलते हैं हाई स्पेशल और वेरी हाई स्पेशल रेजोल्यूशन करता है ठीक है तो इमेजरी के थ्रू आपको यहाँ पे थ्री डी इमेज मिल जाएगी उसके थ्रू भी आपको क्या मिल जाएगा इसमें डी ए पी के अंडर पे आपको थ्री डी इमेज मिलता है ठीक है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट है व्हाट इज फॉर्म फैक्टर अब फॉर्म फैक्टर जो किसी भी हम ट्री का निकालते हैं अब किसी भी ट्री का हम फॉर्म फैक्टर कैसे निकालते हैं ये एक प्रकार का रेशो होता है फॉर्म फैक्टर क्या होता है एक रेशो होता है किसका होता है वॉल्यूम टू वॉल्यूम ऑफ अ स्पेसिफाइड जियोमेट्री सिमिलर इसकी किसी बेसल डायमीटर uh, का वॉल्यूम होता है एंड हाइट का वॉल्यूम के रेशो को क्या कह देते हैं हम लोग फॉर्म फैक्टर कहते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब अब है आपका प्रिजमेटिक कंपास ठीक है एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रिजमेटिक कंपास इन फॉरेस्ट सर्वेइंग तो आपको इसका देख लीजिएगा ठीक है इसका रोल क्या है तो इसका यूज़ जो है हम लोग फॉरेस्ट सर्वे एरिया में करते हैं ठीक है फॉरेस्ट एरिया की सर्वेइंग करने के लिए जो भी सर्वे uh, किया जाता है जब फॉरेस्ट एरिया का तो हम प्रिजमेटिक कंपास का यूज़ करते हैं रफ़ वर्क के लिए सर्वे के लिए करते हैं ठीक है तो ये आपका क्या था मैग्नेटिक रोल uh, के लिए ठीक है और आयरन जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास का यूज़ करते हैं अब फॉरेस्ट सर्वेइंग के लिए इसका रोल क्या है तो इसको आप देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके सेक्शन नंबर बी स्टार्ट होता है तो आपको बताने कि लिस्ट मेरिट्स ऑफ बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन यूज इन जेंडरोलॉजी तो आपको यहाँ पे मेरिट्स बताने किसके आ, मेरिट बताने हैं बैंथम और हुकर इको सिस्टम जो सिस्टम दिया था उन्होंने प्लांट क्लासिफिकेशन का उसका आपको मेरिट्स बताने हैं तो आप सीधा बात आप इसको और अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिएगा मैं थोड़ा सा ही आपको बता देती हूँ यहाँ पे तो ये जो है आप मेरिट आएगा इसका जो आएगा वो आएगा बहुत ही इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था एक तो उन्होंने नेचुरल नेचुरल सिस्टम पे, पे बहुत ही मोस्ट नेचुरल सिस्टम था इन्होंने क्या किया था स्पेशल में इनके एग्जामिनेशन करके एक्चुअल उन्होंने उस पर बेस किया था इस ने, ने, सिस्टम को तो ये नेचुरल सिस्टम है उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स इज क्वाइट एक्यूरेट उन्होंने रिलायबल उन्होंने प्लांट का जब डिस्क्रिप्शन दिया ना एकदम एक्यूरेट था ठीक है इस इसका ये मेरिट हो गए अब इन्होंने क्या किया मोनोकोटिलिडीस को डाकोटिलिडींस को प्लेसमेंट किया जिसके कारण ये और इफ़ेक्टिव हुआ तो ये इसके मेरिट्स हो गए बैंता एंड होकर क्लासिफिकेशन की ठीक है तो आप इसको और अच्छे से डिस्क्राइब कर लीजिएगा डिस्कस कर लीजिएगा तो आपको बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंथोबॉटनी इन इंडियन इकोसिस्टम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन तो एंथोबॉटनी anthobot, का आपका क्या है रोल क्या है आपका इंडियन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में तो आप इसको देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिफरेंट लॉजिंग सिस्टम ऑल्सो इन लीज द टूल्स यूज इन लॉजिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एनरोचमेंट्स एंड पोचिंग इन फॉरेस्ट तो इनमें से आपको अप्रोच ब्रीफ अकाउंट में बताना है कि जो वनों में अतिक्रमण हो रहा है और अवैध शिकार किया जाता है ठीक है जो हम शिकार कर लेते हैं वहाँ पे रहने वाले जो जानवर हैं तो इनकी क्या हो रही दिन ब दिन जनसंख्या कम होती जा रही है पॉपुलेशन कम होती जा रही है ना तो हमें आजकल बहुत ही कम देखने को मिल रहा है तो आपको इसमें से डिस्क्राइब करना कुछ ब्रीफ में नेक्स्ट है हाउ इज़ वैल्यूएशन ऑफ़ फॉरेस्ट गुड्स एंड सर्विसेज तो आप बात करते हैं जब भी फॉरेस्ट गुड्स और सर्विसेज ठीक है कोई भी वस्तु उत्पाद जो होते हैं गुड्स मतलब कोई भी वस्तु हो गया उत्पाद हो गया तो इनका हमको वैल्यूएशन करना है तो हम कैसे करते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम का तो फॉरेस्ट गुड क्या होते हैं हमारे जो इंक्रीमेंट होता है एनुअली इंक्रीमेंट होता है प्रोडक्ट्स का तो uh, ऑफ इकोनॉमिक और नॉन बुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा एनुअल इंक्रीमेंट होता जा रहा है अब सॉइल सर्विसेज कैसे सॉरी सर्विसेज कैसे हो सकती फॉरेस्ट फॉरेस्ट सर्विसेज ऐसे हो सकती हैं सेवाएं आप देख रहे हो कि इसके थ्रू आपको वाटर कंजर्वेशन हो रहा है सॉइल का प्रोटेक्शन हो रहा मतलब सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का भी काम कर रहा साथ एग्रीकल्चरल -साथ. प्रोडक्शन हो रहा प्रोटेक्शन हो रहा है और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी हो रही तो ये सारी सर्विसेज के अंडर पर आती है अब गुड्स के अंडर पर आपको पता है कि ये जो आपको बुड्स के अलावा भी आपको बहुत सारे ऐसे आ, क्या कहते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि नॉन बुड होते हैं तो इनका भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है ये सारे क्या करते हैं हमारी ग्रॉस एनालिसिस करते हैं ग्रॉस एनालिसिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होते हैं जैसे कि जीडीपी में इनकम कंजम्पशन सेविंग्स में इन्वेस्टमेंट में तो इनका बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन है हमारे आज की डेट में फॉरेस्ट सर्विसेज एंड गुड्स का तो यहाँ पे जो मेंस का पेपर वन और टू दोनों कंप्लीट होता है आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा यदि आप में से हमारे एग्रीकल्चर एंड जी के चैनल आप सभी के लिए सारे कंप्लीट कोर्सेज़ को लेकर आया है यदि आप में से कोई भी इन कोर्सेज़ में से कोई कोर्स को परचेस करना चाहता है तो हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जी में जाकर विजिट कर सकता है इन कोर्सेज़ में आपको कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल कराया जाएगा साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज़ हैं या आप वहाँ एप्लीकेशन में जाके जिस कोर्स जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा सो so, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहें हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जी और साथ ही साथ जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जी के साथ थैंक यू